चलिए दोस्तों, हम चालू करेंगे धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल के बारे में आज चालू करेंगे धार्मिक स्थल। छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टेस्ट भी लिए हैं, बहुत कुछ लिया है आप लोगों को। तो कुछ अब मैं टॉपिक समझा रहा हूं आपको। जैसे कि पहला है आपका दंतेश्वरी। आपने नाम सुना होगा दंतेश्वरी देवी मंदिर। अगर पूछता है कि दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो कहाँ पे का जवाब बताएंगे आप, कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे दंतेवाड़ा। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो दंतेश्वरी दंतेवाड़ा सब दोनों मिलता जुलता शब्द है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बता रहा हूँ। ये कहाँ इसलिए बताऊँ, ये जो स्थित है एक संगम में है। संगम का नाम है शंखनी और डंकनी। ये नदी के संगम में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, तो सवाल बना सकता है कौन नदियों के संगम में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो पता हो गया कि कौन से संगम में है, कौन से जिले में है, इसका निर्माण किसने कराया, निर्माता, निर्माण कराने वाला वो थे राजा अन्नमदेव। कौन थे? राजा अन्नमदेव। कौन से वंश के थे? तो ये थे काकतेय वंश के राजा थे। इस बात को अगर दिमाग में बैठा के चलते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो आपको पॉइंट समझा रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले मंदिर का नाम दिमाग में बैठाइए, दंतेश्वरी देवी का मंदिर। सवाल बनता है कहाँ है? रायगढ़ जिला में है। सवाल बनता है कौन से नदियों के संगम में बसा है? तो संकनी डंकनी नदी के संगम में बसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है निर्माण किसने करवाया? राजा अन्नमदेव ने करवाया। किसने किया? अन्नमदेव ने कराया, जो कि काकतेय वंश के राजा थे। इतना पॉइंट धार्मिक स्थल से आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको छोड़ना नहीं है, इसको याद करके चलना ही चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगली मंदिर का जो हम चर्चा करेंगे, जो कि हाल ही में बहुत कराया मैंने, माँ बम्लेश्वरी। आप जानते हो इसके बारे में, बम्लेश्वरी माँ के बारे में आपको पता ही होगा। क्या है? माँ बम्लेश्वरी। फिर से लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, माँ बम्लेश्वरी। ठीक है, माँ बम्लेश्वरी ये मंदिर तो आप लोग अभी हाल ही में बहुत बार पड़े होंगे। माँ बम्लेश्वरी देवी का मंदिर ये पता है आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? डोंगरगढ़ का मंदिर। कहाँ स्थित है ये? डोंगरगढ़ में। कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ समझिए। चलिए, इसका प्राचीन नाम क्या था? देखिए, प्राचीन नाम ना पूछ सकता है, प्राचीन नाम क्या था? तो कामावती पुरी, ये इसका प्राचीन नाम था। और इसका निर्माण किसने कराया? भाई निर्माण भी तो पूछेगा ना, राजा वीरसेन ने कराया। किसने कराया? राजा वीरसेन ने कराया। तो ये माँ बम्लेश्वरी के मंदिर से सवाल बना सकता है। एक बात आप लोगों को समझा दूँ कि मंदिर से सवाल बना ही सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, सवाल जरूर बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में, भोरमदेव का मंदिर। उसकी भी चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आगे समझाता हूँ मैं आप। चलिए, आगे है भोरमदेव का मंदिर। इसके बारे में आपने एग्जाम में और हमारे लाइव क्लासेस में बहुत सुना होगा, भोरमदेव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। अगर आपने सुना होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिला कवर्धा। कहाँ? कवर्धा में। ये आपने सुना होगा, और कबीरधाम जिला, ठीक है ना, ये आप जानते होंगे, लोकेशन तो क्लियर हो गया। और क्वेश्चन क्या बना सकता है इसके उपनाम से? क्वेश्चन बना सकता है, उपनाम मतलब एक निक नेम दिया गया है इसको। क्या नाम है वो निक नेम है? इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अब यही थोड़ा समझेंगे, अगर आपको सवाल पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भोरमदेव को कहते हैं। कौन से काल पे बना? इसका काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड, तो 1089 ईस्वी। और मैक्सिमम सवाल पूछता है कौन सी शताब्दी में, तो 11वीं। इसको याद रखना, 11वीं शताब्दी का समय का है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के चलना। अच्छा, शैली कौन सी शैली से बना है? अगर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कह रहे हैं, शैली समझते हैं ना, पैटर्न, तो ये शैली है आपका नागर शैली। नागर शैली से इसका निर्माण हुआ है। और निर्माता किसने बनवाया? मैं कितने बार बताया निर्माता पता होना चाहिए, वो है गोपाल देव ने। किसने बनवाया? गोपाल देव ने बनवाया। ठीक है, ये मंदिर बहुत सुंदर है, आप एक बार जाके जरूर देखे। और जो एग्जाम से क्वेश्चन बना के देगा, वो इसी कुछ पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको दिमाग में बैठा के चलना है। छोटे छोटे मंदिर है, पर इंपॉर्टेंट है लोकेशन, उपनाम और उसके टाइम पीरियड। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगले मंदिर के बारे में बताऊंगा, मड़वा महल। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मड़वा महल कहाँ है? सवाल फिर बनेगा, कहाँ है? कवर्धा में है। कहाँ है? कवर्धा में है। देखिए, काल मतलब इसका टाइम पीरियड भी याद रखिए, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब इंपॉर्टेंट है इसके निर्माणकर्ता, किसने निर्माण करवाया? भाई निर्माणकर्ता इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखिए, रामचंद्र देव। इस नाम को याद रखिए, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। एक पॉइंट और है, एक इसका उपनाम है, उपनाम मतलब निक नेम बोल सकते हो, इसे क्या बोलते पता है? दूल्हा देव कहा जाता है, दूल्हा देव कहा जाता है। ये याद रखना, क्योंकि इसे विवाह का प्रतीक मानते हैं, इस महल को विवाह का प्रतीक मानते हैं। तो ये बातें जो बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी पूछ सकता है कि मड़वा महल किसने बनवाया, कब बना, कौन से जगह पर है और क्या कहते हैं। तो ये जो धार्मिक स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिए। और पूरा वीडियो देखिए, और अपने लेक्चर खुद अपने हाथों से अपने कॉपी में रेडी कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, एक मंदिर के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। पहला है मतलब महामाया मंदिर। देखिए, इसका स्थान, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आपने रत्नपुर के बारे में सुना होगा, रत्नपुर के बारे में सुना होगा, जो कि आपके बिलासपुर जिला में आता है। ये महामाया मंदिर यहीं पर स्थित है। इसके निर्माणकर्ता भाई किसने बनाया है, सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो राजा, इसी के नाम पे है ना, राजा रत्न देव, इस बात को भी याद रखिए। कौन से शासक थे? तो भाई ये कलचूरी वंश के शासक थे। किसके शासक थे? कलचूरी शासक थे, मतलब कलचूरी वंश के शासक थे। 1049 ईस्वी का इनका कार्यकाल है। अब ये चीज़, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एक पॉइंट और है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी थी, क्या थी? प्रथम राजधानी थी। इस बात को अगर आपको याद करके चलते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत सारे उपनाम है, इसे तालाबों का क्या बोलते हैं? तालाबों का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। पलटा क्वेश्चन देगा, तालाबों का शहर कैसे कहते हैं, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, और बादल महल यहीं स्थित है। क्या है? बादल महल यहीं स्थित है। इस बात को भी दिमाग में बैठा के चले। आगे क्या है? राम टेकी में राम मंदिर भी स्थित है, राम टेकरी में राम मंदिर भी स्थित है। तो ये पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में बैठा के चले। ठीक है, और दो मंदिर की चर्चा करते हैं, देवरानी जेठानी मंदिर और राजीव लोचन मंदिर। आज के टॉपिक में दो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके एग्जाम में सवाल बना के देता ही देता है। आगे चलते हैं। चलिए, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी सुना होगा, देवरानी, देवरानी, और ये है जेठानी, देवरानी जेठानी का प्रसिद्ध मंदिर।
ठीक है। अब इसके बारे में जो सवाल बना सकता है वो इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन। लोकेशन है इसका तालागांव, तालागांव बिलासपुर के समीप, जो कि हमारे कई बार ऑनलाइन टेस्ट में इसको मैंने कितनी बार इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके दिमाग में हाईलाइट हो गया। अब कौन सी नदी के किनारे हैं, ये पॉइंट था, तो वो है अगला पॉइंट है मनियारी, मनियारी नदी के तट पर है। कहाँ है? मनियारी नदी के तट पर है। ये सवाल भी पूछा गया है कई बार। और याद रखना कि छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे रुद्रशिव की एक अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है। किसकी? रुद्रशिव की, मतलब शंकर भगवान की प्रतिमा मिली है ना, जिसमें 11 जानवरों के मुख के एक प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है अंगों का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था देवरानी ठाणी मंदिर। इसको बिल्कुल टॉपिक को लिख लो, आप क्या करो नोट्स बनाओ अपने कॉपी में जो बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद होना चालू हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आज के जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके मन में आता भी है। उस टॉपिक का नाम है राजीव लोचन मंदिर, कई लोग इसे राजीव लोचन मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? राजीव में स्थित है ये मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है आपके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है इसके निर्माणकर्ता। अब निर्माणकर्ता तो आपको याद होना चाहिए, वो है आपका बिलास तुंग। बिलास तुंग इसके निर्माणकर्ता है, जो कि नलवंशीय शासक थे, नलवंशीय शासक थे। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट। छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी दिमाग में बैठा के चलो। अब आज जितने मंदिर मैंने आपको कराए हैं आप इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं और डिटेल देते हैं तो आपको यहाँ से करेक्ट करके समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और कुछ बताना चाहूँगा तो रुकिए वीडियो पे। देखिए हमारी मंडी निरीक्षक की क्लासेस चल रही है ना, मंडी निरीक्षक की पेड क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पे, पेड क्लासेस। जो बच्चा लेना चाहता है उसे ले सकता है और पूरा वीडियो डिटेल में पढ़ सकता है ना। जिसकी फीस है 2000 रुपये, वैलिडिटी है एग्जाम तक, जहाँ पे हम पीडीएफ दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं और आपको दे रहे हैं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। और पूरा पैकेज है, कम से कम 250+ वीडियो का पैकेज है, पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज है 200+। तो जो बच्चा लेना चाहता है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप उस क्लास को ज्वाइन करके बाकी के मुकाबले अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। जो बच्चे हमसे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको पता होगा कि हमारी तैयारी का लेवल कैसा है और हम एक एक चीज को डिस्कस करके डिटेल से पढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो इस नंबर पे कॉल करके जरूर जुड़ जाना, ये आप लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अभी मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है, जैसा मैं ठीक हो जाऊंगा हमारी लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो, और बाकी समय आपको भी पढ़ाई खुद करनी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है।